नमस्कार, मैं कनिका वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी से मिले शरद पवार, कई तरह की चर्चाएं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच जारी मंथन के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की और राहत देने की मांग उठाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कल कहा था कि यह मुलाकात किसानों के मुद्दों को लेकर होगी। संजय राउत बोले, दिसंबर से पहले बन जाएगी सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, ऐसे में अन्य दलों की सरकार बनाने की जिम्मेदारी बनती है। पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात को लेकर संजय राउत ने कहा कि पीएम से मिलने पर हर बार कोई खिचड़ी नहीं पकती, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं और दिसंबर से पहले सरकार बन जाएगी। गहलोत ने कहा, कांग्रेस मुख भारत की कल्पना छोड़े बीजेपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को कांग्रेस मुख भारत की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए भारत के संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के साथ मेल खाता है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता ने बता दिया है कि कांग्रेस मुख भारत की बातें करने की कल्पना भी मत करो। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा नकली जीरा, 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां नकली जीरा बनाया जा रहा था। नकली जीरा घास, पत्थर के बुरादे और शक्कर के शीरे से तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो पत्थर का बुरादा, 1600 किलो घास और 1,225 किलो जीरा बरामद किया है। जीरे का इस्तेमाल सब्जी, दाल, रायते आदि में किया जाता है। रामलला को 23 नवंबर को सौंपी जाएगी फैसले की कॉपी। 23 नवंबर को हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम अयोध्या में रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपेगी। हिंदू पक्ष के प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अयोध्या में रामलला की पूजा के बाद उन्हें जजमेंट की कॉपी सौंपी जाएगी। वहीं विष्णु शंकर ने मुस्लिम पक्ष द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाने पर कहा कि हम भी पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेगी वकीलों की पूरी टीम। सुप्रीम कोर्ट में रामलला की पैरवी करने वाले के पराशरन सहित वकीलों की पूरी टीम अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएगी। रामलला के दर्शन के लिए वकीलों के साथ उनके परिवार वाले भी जा रहे हैं और उनके 22-23 नवंबर को अयोध्या पहुंचने की संभावना है। पराशरन अपनी 3 पीढ़ियों के साथ अयोध्या जाएंगे। उनके साथ उनके बेटे, बेटी और नाती पोते सहित पूरा परिवार जा रहा है। सोनिया और राहुल की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर लोकसभा में हंगामा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने के खिलाफ लोकसभा में आज भी कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय भी कई नेताओं की सुरक्षा कम की गई थी। जेपी नड्डा ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा हटाने में कुछ भी राजनीतिक नहीं है। नापाक हरकतों पर राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर में कहा कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन उसके काम उसके नाम के अनुरूप नहीं है। उसकी हरकतें नापाक हैं, वह अपने नाम के अर्थ पर खरा नहीं उतरता। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को एक बार फिर दुनिया के समक्ष रखा। पिंक बॉल टेस्ट से बाहर होंगे अश्विन, कुलदीप की होगी एंट्री। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद का असर टीम इंडिया के संयोजन पर भी होगा। भारतीय टीम ये टेस्ट जीतने के लिए कुलदीप यादव को मौका दे सकती है, क्योंकि उनकी लाइन लेंथ का कोई तोड़ नहीं है और फ्लड लाइट में उनको खेलना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में रविचंद्र अश्विन की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। सलमान की फिल्म राधे में हुई गौतम गुलाटी की एंट्री। सलमान खान की फिल्म राधे की शूटिंग बीते 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। कुछ समय पहले सलमान ने फिल्म की जिस कास्ट का ऐलान किया था, उसमें सलमान के साथ सोहेल खान, दिशा पटानी, अतुल अग्निहोत्री, जैकी श्रॉफ, डायरेक्टर प्रभु देवा और रणदीप हुडा नजर आए थे। अब इस फिल्म में टीवी एक्टर और बिग बॉस सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी भी नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।